नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तीन स्टॉक्स दोस्तों जिनमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है आज के बाजार में। वैसे तो आज बाजार में मिक्स कारोबार था, कुछ तेजी में थे कुछ मंदी में थे। जो गिरने वाले थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे, जो तेजी वाले थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे परसेंटेज टर्म्स में। जो तेजी में था वो भी 8-10% भाग रहा था और जो मंदी में था वो भी 8-10% ही गिर रहा था। ऐसे में तेजी की बात करूं तो वो तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में हुई है, लेकिन गिरावट अक्रॉस ब्रॉडर मार्केट में होते हुए देखिए, ब्रॉडर मार्केट में आपने गिरावट होते हुए देखी है। अब यहाँ पे तीन स्टॉक्स जिनमें बड़ी गिरावट आई है, पहला है आपका डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट। इसके ऊपर आपने डेफिनेटली आज सुबह से मेरे मुँह से भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में सुना होगा एंड ओवरऑल मार्केट में भी काफ़ी सारी रिपोर्ट आपने पढ़ी होंगी आज डी मार्ट पे, क्योंकि इस स्टॉक में आज सुबह से गिरावट देखने को मिल रही है इसके नतीजों की वजह से, मैनेजमेंट की कमेंट्री की वजह से। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा स्टॉक है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में भी दोस्तों आज 6.5-7% की गिरावट देखने को मिली है, एक सडन शार्प गिरावट देखने को मिली है। इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं क्यों गिरा अचानक से शेयर और क्या करना चाहिए, इसके बारे में समझेंगे। और तीसरा स्टॉक है IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। पावर सेक्रेटरी की तरफ से कुछ कमेंट्स आए हैं जिसकी वजह से आज एक शार्प गिरावट देखने को मिली आप सभी को IEX के स्टॉक में। शुरुआत करते हैं दोस्तों डीमार्ट के साथ। डीमार्ट की बात करूं, 8% टूटा ये स्टॉक, 4183 रुपीज के लेवल्स पे आके खड़ा हो गया है। 5484 का स्टॉक का 52 वीक हाई है। रीसेंट डेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 4700 लगाया और थोड़े समय पहले लगभग एक महीने पीछे जाऊं, इनफैक्ट एक महीने भी नहीं 20 दिन पीछे जाऊं, तो इसने 52 वीक हाई हिट किया था 5484 का और वहां से कंटिन्यू गिरावट आ रही है। लगभग 23-24% टूट चुका है ऑलरेडी। अब क्या करें क्या ना करें अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है। पहले टेक्निकल टर्म्स पे बात करूंगा दोस्तों। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो एक हायर आइज की फॉर्मेशन चल रही है जहां पे एक बड़ी डिप आई है, जिसका मतलब जब तक ये स्टॉक 3800 के नीचे नहीं जाएगा तब तक मुझे लगता है ये हायर हाइज की फॉर्मेशन में ही है। जितनी तेजी से ये स्टॉक नीचे आया उतनी ही तेजी से ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, ये टेक्निकल पैरामीटर्स कह रहे हैं दोस्तों। अब आ जाता हूँ कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। फाइनेंशियल पैरामीटर दोस्तों चिंता जता रहे हैं और चिंता जताई जा रही है क्विक कॉमर्स को लेकर। दोस्तों डीमार्ट के मैनेजमेंट की तरफ से खबर आई कि क्विक कॉमर्स जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेल्स में भी डिप आ रही है और उसको कॉम्पीट करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो डीमार्ट रेडी है ऑलरेडी 2-2.5 घंटे में सर्विस कर रहा है, लेकिन और तेजी की जरूरत है तो उस पर डीमार्ट काम कर रहा है क्विक कॉमर्स पे। और अभी क्विक कॉमर्स जो बिजनेस है डीमार्ट का वो ऑलमोस्ट लॉस मेकिंग ही है, तो उसे अभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिख रहा है। एक यही सारी की सारी जो डीमार्ट की इस समय दुनिया है वो वहीं पे घूम गई है। एक समय डीमार्ट की जो ग्रोथ थी वो 20% से ज़्यादा की और अभी ग्रोथ आपकी 14% के समथिंग रह गई है, ये चिंता का विषय दिख रहा है और इसी के वजह से डीमार्ट का शेयर गिरता हुआ दिखा है। दोस्तों डीमार्ट के स्टॉक में गिरावट आई है, इसलिए आई है क्योंकि ग्रोथ धीरे हो रही है, इसलिए नहीं कि ग्रोथ है नहीं, ग्रोथ है लेकिन धीरे हो रही है और कंपनी कोशिश कर रही है, काम कर रही है क्विक कॉमर्स के कंपटीशन को लेकर, क्विक कॉमर्स को लेकर। और डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेगा, लेकिन कितना समय लगेगा ये नहीं पता है, तब तक कितना और दर्द होगा ये नहीं पता है। ऐसे में राय बनती है बिल्कुल सिंपल, जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स हैं वो इतना समझ लें कि अभी प्रॉब्लम है लेकिन ये टेम्पररी है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो ये समझ लें कि प्रॉब्लम है अभी, कब तक उसका सॉल्यूशन मिलेगा पता नहीं है, तो आप चाहो तो इसे अवॉइड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म निवेशक गिरावट में एड ऑन डिप कर सकते हो, ठीक है जी। ये हो गई डीमार्ट की बात। अब आते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, टाटा केमिकल। पहली बात तो रीज़न दोस्तों मेरे को कोई ऐसा खास मिला नहीं है जिसकी वजह से गिरा हो ये स्टॉक, विदाउट रीज़न गिरा है। हाँ जी, मुझे ऐसा ही लगता है कि विदाउट रीज़न गिरा है स्टॉक। स्टॉक में तेजी भी देखी आपने रिसेंटली, 9 अक्टूबर को 1100 रुपये का भाव था, वहाँ से भागते भागते अचानक से 1200 रुपये हो जाता है और अभी करेक्शन भी उतनी ही शार्प आई है। स्टॉक टेक्निकल टर्म्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरे को लगता है गिरावट में जब तक स्टॉक 1070 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो दोबारा बाउंस बैक तेजी आ सकती है और दोबारा से 1150-1180 रुपये का भाव दिखा सकता है ये स्टॉक। तो स्टॉक अगर किसी के पास है होल्ड करें, किसी के पास नहीं है बाय ऑन डिप करें, और अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक चाहता है तो वो टाटा केमिकल को ले सकता है। टाटा केमिकल कब चलेगा वो किसी को नहीं पता है, लेकिन इसमें वैल्यू बहुत है इतना सबको पता है। तो ये होगी टाटा केमिकल के ऊपर बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट IEX।
दोस्तों IEX का सिंपल है भाई, जब जब पावर कपलिंग की खबर आएगी स्टॉक टूटेगा। मैंने ओपन मार्केट में 130 वीडियो बनाई थी, जैसे ही खबर आई वैसे ही पावर सेक्रेटरी की तरफ से बयान आया है कि सरकार मार्केट कपलिंग पे काम कर रही है और मार्केट कपलिंग प्रोग्रेस में है, काम चल रहा है उस पर, जल्दी लागू होगा। और जैसे ही खबर आती है स्टॉक टूट जाता है और टूटने के बाद नीचे से संभलता भी है, 192 तक लो लगाता है, 196 की क्लोजिंग है। ये ओवरहैंग है एक तरीके से मार्केट कपलिंग कंपनी के लिए, जैसे ही लागू हो जाएगा ना आई थिंक फिर नहीं गिरेगा शेयर, क्योंकि जो खराब होना था हो गया। बार बार एक ही चीज को लेकर मार्केट डरा देता है ऐसे स्टॉक को, बट वो कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा मार्केट कपलिंग से। मार्केट कपलिंग को डिटेल में जानना चाहते हो तो IEX वाली वीडियो जरूर देखिएगा जो मैंने आज डिटेल में बनाई है। शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है स्टॉक, लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो अभी कुछ नहीं करना चाहिए, वही ज्यादा फेवर में है, क्योंकि मार्केट कपलिंग को लेकर जैसे ऐसे खबरें आएंगी ये स्टॉक नीचे ही जाएगा, तो अभी वेट करना बेटर ऑप्शन है। बेचना ना बेचना टोटली डिपेंड करता है आप पे, कि आप कितने पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर हो, कितनी दिक्कत झेल सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।